नमस्कार, बीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम न्यूज में मैं शुरा शिंदे आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। गणेश जी को घर ले जाने के लिए चितारोली में भक्तों की भीड़, ढोल ताशों के साथ नागरिकों में दिखा उत्साह। बहुजन समाज पार्टी की ओर से कल नागपुर में कार्यकर्ता बैठक, संदीप ताजने ने दी जानकारी। और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की मां का इटली में निधन, लंबे समय से थी बीमार। अब खबरें विस्तार से। उपराजधानी नागपुर के चितारोली में दो साल बाद फिर ढोल नगाड़ों की गूंज सुनाई दी। चितारोली में ज्यादातर मूर्तिकारों के ही घर हैं और आज यहां से विभिन्न गणेश मंडलों के साथ साथ नागरिक भी पूरे उत्साह के साथ श्री गणेश की विशाल मूर्तियों को स्थापित करने के लिए अपने घर ले गए। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु नजर आए। इस दौरान ढोल की आवाज पर गुलाल उड़ाते हुए नागरिकों का उत्साह देखते ही बनता था। नागपुर में चितारोली के नाम से जाना जाने वाला इलाका उन कलाकारों के लिए प्रसिद्ध है जो गणेश जी की मूर्तियां बनाते हैं। भारत के केंद्र में स्थित नागपुर शहर का इतिहास बहुत ही रोचक और ऐतिहासिक है। इनमें से एक है 300 साल पुराना चितारोल, जिसे कलाकारों और चित्रकारों की बस्ती के रूप में जाना जाता है। वर्तमान में इस चितारोली में सर्वाधिक मूर्तिकारों के घर है और आज कई गणेश मंडल उत्साह और ढोल ताशों के साथ यहाँ से गणेश की मूर्तियों को ले गए, जबकि आम लोग भी गणेश की मूर्तियों को अपने घरों में स्थापित करने के लिए बड़ी धूमधाम से ले गए हैं। गणेश जी को घर ले जाने के लिए बड़ी संख्या में लोग इस इलाके में आए थे। इस अवसर पर कई गणेश मंडलों में उत्साह देखने को मिला। विदर्भ के यवतमाल जिले के मारीगांव में पिछले दो साल से विभिन्न कारणों से आत्महत्याओं का सिलसिला जारी है। पिछले तीन दिनों में तालुका में 5 लोगों ने आत्महत्या कर ली। वहीं प्रशासन व राज्य सरकार द्वारा कोई भी ठोस कदम नहीं उठाए जाने से गांव वाले बेहद नाराज है। हरतालिका गौरी पूजन महिलाओं के लिए आस्था और श्रद्धा का पर्व माना जाता है। इस दो दिवसीय पर्व के दौरान घर पर ही मां गौरी का पूजन किया जाता है, साथ ही पति की लंबी उम्र की कामना के लिए व्रत किया जाता है। इस अवसर पर महिलाओं द्वारा घर घर में हल्दी कुंकू का कार्यक्रम किया जाता है। आज मां गौरी का विसर्जन किया गया। इस दौरान कामठी महादेव घाट क्षेत्र के नदी तट से गौरी विसर्जन के लिए महिलाओं की भीड़ उमड़ पड़ी थी। बहुजन समाज पार्टी की ओर से कल गुरुवार को नागपुर में कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन किया गया है। इस कार्यकर्ता बैठक में प्रदेश अध्यक्ष संदीप ताजने, महाराष्ट्र प्रभारी प्रमोद रैना और नागपुर के सभी अधिकारी मौजूद रहेंगे। ये बैठक महाराष्ट्र में आगामी नगर निगम चुनाव को लेकर की जा रही है। बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संदीप ताजने ने अपनी राय व्यक्त करते हुए कहा कि बहुजन समाज पार्टी के बनवा पौड़ी अभियान के उद्देश्य से पूरे महाराष्ट्र में इस तरह की सभाएं आयोजित की जाएंगी। निवडणुकीच्या शंखनादाच्या पार्श्वभूमीवरच उद्याचा कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे। 20 ऑगस्ट पासून आम्ही संबंध महाराष्ट्रामध्ये प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये दौरा करत आहोत। महाराष्ट्रातल्या जवळजवळ 17 महानगरपालिकांमध्ये निवडणूक आहे, त्या 17 महानगरपालिकांमध्ये सुद्धा बहुजन समाज पक्षाच्या वतीने महापौर बनाव अभियान हा कार्यक्रम मागच्या 4 महिन्यापासून आम्ही राबवला होता आणि तो नागपूरमध्ये सुद्धा राबवलेला आहे। या कार्यक्रमाच्या तयारीची पाहणी करण्यासाठी उद्या आमच्या पक्षाचे राष्ट्रीय महासचिव माजी खासदार डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ साहेब, पक्षाचे प्रदेश प्रभारी नितीन सिंग साहेब, दुसरे प्रभारी प्रमोद रैना साहेब आणि मी स्वतः या उद्याच्या कार्यक्रमाला प्रामुख्याने उपस्थित असणारा नागपूर आणि नागपूरच्या आजूबाजूने बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचाराने प्रेरित झालेली असंख्य लोक आपल्याला या ठिकाणी सापडतात। इंटरनॅशनल क्रिकेट काउन्सिलने बुधवार को कहा की भारत और पाकिस्तान पर एशिया कप 2022 के ग्रुप ए मैच में स्लो ओवर रेट को लेकर मैच फीस का 40% जुर्माना लगाया गया है। मैच रेफरी के ICC एलीट पैनल के जेफ क्रो ने रोहित शर्मा और बाबर आजम की टीमों द्वारा रविवार के मैच के दौरान अपने अपने निर्धारित समय से 2 ओवर कम होने के बाद कार्रवाई की। ICC ने कहा, खिलाड़ियों और खिलाड़ी समर्थन कर्मियों के लिए ICC आचार संहिता के अनुच्छेद 2.22 के अनुसार जो न्यूनतम ओवर रेट के मामले में संबंधित है, इस संबंध में खिलाड़ियों पर उनकी मैच फीस का 20% जुर्माना प्रति ओवर के लिए लगाया जाता है जो उनकी टीम आवंटित समय में गेंदबाजी करने में विफल रहती है।
दोनों कप्तानों को इसके लिए दोषी ठहराया गया और दोनों कप्तानों ने अपना दोष स्वीकार कर लिया, इसलिए मामले में औपचारिक सुनवाई की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी। मैदानी अंपायर मुसुदुर रहमान और रुचिरा पिल्लिया गुरुगे, तीसरे अंपायर रविंद्र विमलासिरी और चौथे अंपायर गाजी सोहेल ने आरोप लगाए। खबरों के सिलसिले में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 degree 3 job opportunities। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटका बैंक, नागपुर। बॉस ने मीटिंग बुलाई। बाहर बाहर उठो बैठो। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com। नागपुर इज फेमस फॉर संतरे, टाइगर, जीरो माइल और सावजी खाना, और सावजी खाने को उसका असली स्वाद देते हैं सावजी मसाले, जिससे बनता है ऑथेंटिक सावजी खाना। मसालों में मसाले अहिरकर ग्रुप के सावजी मसाले। सबका फिर से स्वागत है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने श्री गणेश से महंगाई व बेरोजगारी कम करने और अन्नदाता किसान को खुश करने की प्रार्थना की है। नाना पटोले ने नागरिकों को गणेशोत्सव के लिए बधाइयां भी दी। इसी के साथ ही राजनीति पर बात करते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि 99% कार्यकर्ता चाहते हैं कि सांसद राहुल गांधी ही कांग्रेस के अध्यक्ष बने। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की मां पाउला माइनो का शनिवार 27 अगस्त को इटली में उनके आवास पर निधन हो गया। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पाउला को मंगलवार 31 अगस्त को अंतिम विदाई दी गई है। बता दें कि 24 अगस्त को कांग्रेस ने बयान जारी कर बताया था कि सोनिया गांधी अपने बेटे राहुल गांधी और बेटी प्रियंका गांधी के साथ विदेश जाएंगी। बयान में कहा गया था कि नई दिल्ली लौटने से पहले सोनिया अपनी बीमार मां को भी देखने जाएंगे। इस समय हिंदुस्तान का पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान बाढ़ से जूझ रहा है। पूरे पाकिस्तान में इस समय हालात बद से बदतर हो चुके हैं। इस बीच एक सैटेलाइट इमेज सामने आई है जिसमें आप देखेंगे कि कैसे पाकिस्तान में सिंधु नदी की बाढ़ से 100 किलोमीटर चौड़ी झील बन गई है। सैटेलाइट तस्वीरों में भयावह नज़ारा देखा जा सकता है। बता दें कि पाकिस्तान में फसल का बड़ा हिस्सा पानी में डूब चुका है। मानसून की शुरुआत से अभी तक पाकिस्तान में 1,162 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं इस बाढ़ के कारण 3,554 लोग घायल हुए हैं और करीब 33 मिलियन लोग जून के मध्य में इससे प्रभावित हुए हैं। पौनी तालुका के नीलज मार्ग पर गोसेखुर नहर में नहाने गए नागपुर के दो युवक बह गए। नईम खान लाल खान और अमीन शाह लाल शाह नहर में बह गए युवकों के नाम है। नईम और अमीन दोनों अबू मियाँ नगर भांडेवाड़ी नागपुर के रहने वाले हैं। वे गांव-गांव जाकर कपड़े बेचते हैं। बताया जा रहा है कि वे नहाने के लिए नहर में उतरे और गहराई का अंदाजा ना आने से दोनों युवक बह गए हैं। दोनों युवकों की तलाश जारी है। 2 सालों के कोरोना महामारी के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटने लगी है। वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही अप्रैल से जून के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था ने 13.5% की दर से विकास किया है, जबकि 2021-22 की पहली तिमाही में 20.1% GDP रहा था। तो चौथी तिमाही जनवरी से मार्च के बीच देश का आर्थिक विकास दर 4.1% रहा था।
दरअसल 2021 से 22 के लो बेस और घरेलू मांग में तेजी के चलते जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ा है। साथ इस तिमाही में निवेश खपत में तेजी देखी गई है। 2022 से 23 की पहली तिमाही में जीडीपी ग्रोथ रेट 13.5% रहा है, लेकिन ये आरबीआई के 16.2% के अनुमान से कम है। तो वीकेबी न्यूज़ के प्राइम टाइम न्यूज़ में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज़। नमस्कार।